हेलो, वेलकम यू ऑल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूनिट 2 पार्ट 4 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू लर्न टाइपिंग स्किल्स ऑन द कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग स्किल्स सीखनी है तो इसके लिए आप रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट इज़ फ्री टू यूज़ एंड यू कैन शेयर विद अदर्स फॉर फ्री, बट ओनली बाय यूजिंग द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज की नीड होगी। टच टाइपिंग टेक्निक्स। टच टाइपिंग इम्प्रूव्स टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड इससे एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती है। अ टच टाइपिस्ट नेवर लुक्स एट द कीबोर्ड। जो हमारा टच टाइपिस्ट होता है वो कीबोर्ड की तरफ कभी भी नहीं देखता। जिसकी जो फिंगर्स होती हैं वो हिट करती है राइट की को, बिकॉज उनको एक प्रैक्टिस हो जाती है टाइपिंग की। द टाइपिंग इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बींग टाइप, रीडिंग द वर्ड्स एंड फ्रेसिस एज द फिंगर्स टाइप द टेक्स्ट रिफ्लेक्सिवली। टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइजेस। तो इसके लिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की, तो आप भी बिना देखे कीबोर्ड को टाइपिंग कर सकते हैं। सो देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ टच टाइपिंग। फर्स्ट इज स्टेज 1। स्टेज 1 ऑफ द प्रोसेस बिगिंस विद लर्निंग द होम रो ऑफ द कीबोर्ड। जो हमारी होम रो होती है कीबोर्ड की, वहाँ से हम लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। द रो बिगनिंग विद द कैप्स लॉक की। द रो एक ऐसी रो जो हमारी कहाँ से बिगिन होती है, कैप्स लॉक की से, एंड हम इसको होम रो भी बोलते हैं। लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। दिस इज फॉलोड बाय लर्निंग द लोअर एंड अपर रोज, द नंबर्स रोज, अपर केस लेटर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। स्टेज 2 में आपका आ जाएगा इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिलेबल्स एंड टाइपिंग वर्ड्स कंटेनिंग दिस सिलेबल्स। नेक्स्ट हमारा स्टेज 3 इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल्स रिक्वायर्ड। स्टेज 1 जो हमारा है, इसके अंदर हम लर्निंग करना सीखेंगे होम रो जो है हमारे कीबोर्ड का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी टाइपिंग को करना, और हमने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी टाइपिंग की। स्टेज 2 में हम जो हमारे सिलेबल्स होते हैं, जो हमारे टाइपिंग वर्ड्स होते हैं, हम इसको इन्वॉल्व करेंगे टाइप करना, एंड स्टेज 3 में हम एक्चुअल टेक्स्ट को टाइप करेंगे टू परफेक्ट दी स्किल्स एक्वायर्ड। ये हमारे कुछ टाइपिंग टच टाइपिंग के रूल्स होते हैं। जो हमारी होम रो होती है वो कैप्स लॉक के यहाँ से स्टार्ट होती है। ये हमारी होम रोज आप इसे कहते हैं AS, DF एंड JK, L एंड सेमी कॉलन। हमारा जो F एंड G होता है ये हमारी गाइड कीज होती हैं। ये हमारा इधर न्यूमेरिक पैड है। टच टाइपिंग के रूल्स कौन कौन से हैं? द FDSA एंड JKL हैश कीज रिप्रेजेंट द बेस पोजिशन। कीबोर्ड यूजली हैव स्मॉल प्रोट्रूजन्स ऑन द F एंड J कीज। दे हेल्प आर फिंगर्स लोकेट द बेस पोजिशन विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। सो जो हमारे कीबोर्ड में बेस पोजिशन होती है वो हमारी है FDSA एंड JKL हैश। ये हमारा FDSA एंड JKL है, जिसको हम होम रो भी बोलते हैं, और ये हमारी बेस पोजिशन भी होती है। कलर कोडिंग शोज विच फिंगर शुड प्रेस ईच की। द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ऑल द रेड कीज। जो हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है उसको हमने रिजर्व किया हुआ है फॉर ऑल द रेड कीज, एंड द राइट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर द ग्रीन कीज। यूज द थंब ऑफ विच एवर हैंड इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू प्रेस द स्पेस की। जो हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है वो हमारी रेड कीज पर रहेंगी, और हमारी जो राइट इंडेक्स फिंगर है वो हमारी ग्रीन कीज पर रहेंगी, और थंब हमारा जो है उसका हम यूज करेंगे स्पेस की को प्रेस करने के लिए। द बेस पोजिशन ऑन द न्यूमेरिक पैड इज द नंबर 5 की फॉर द मिडल फिंगर। जो हमारी बेस पोजिशन है न्यूमेरिक पैड पर वो हमारी 5 नंबर की है, जो कि हम मिडल फिंगर से प्रेस करेंगे। 4 हम इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे 4 को प्रेस करने के लिए, एंड 6 फॉर दी
ring finger. The numeric pad simplifies and speed up the numerical data input. अगर आपने numerical data input करना है तो आप numeric pad का use कर सकते हैं. So जो हमारी red की से है वो हमारी left index finger से हम use करेंगे and green keys को press करने के लिए हम right index finger का use करेंगे. Upper case letters and symbols appearing on keys is the numbers row are typed by one hand with the little finger of the other hand holding down the shift key. जो हमारे symbols होते हैं उसको आप shift key को hold करके और अपनी little finger से भी press कर सकते हैं. Do not look at the keyboard. Try to locate the right key with your fingers. आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है और आपको अपनी राइट की का यूज़ करना है. वीडियो अब जो हमारी राइट कीज होती हैं उसके लिए हम अपनी फिंगर से उसको प्रेस करेंगे. हमने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है. टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस. हमारा जो इंटरफेस है टाइपिंग ट्यूटर का उसमें हमारा टास्क बार है. टास्क बार में आपका क्या क्या है. टास्क बार अलाउज टू सेट और चेंज सम बेसिक ऑप्शंस टू स्टार्ट अ लेसन. किसी भी लेसन को स्टार्ट करने के लिए टाइपिंग के जो हमारा टास्क बार होता है वहाँ पर हमें कुछ बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि कीबोर्ड का लेआउट, लेवल, लेसन एंड बैकग्राउंड. थ्री हॉरिजॉन्टल बटन्स इन द टॉप राइट कॉर्नर्स. टॉप राइट कॉर्नर पर आपको थ्री हॉरिजॉन्टल बटन्स दिखाई देंगे. ऑप्शंस, अबाउट एंड हेल्प. ओके, थ्री ऑप्शंस जो हमारे हैं ये टॉप राइट कॉर्नर पर आपको दिखाई देंगे. ऑप्शंस, अबाउट एंड हेल्प. एंड टास्क बार पे हमारा जो हमारे ऑप्शंस होते हैं बेसिक्स लेसन को स्टार्ट करने के लिए जैसे कीबोर्ड लेआउट, लेवल, लेसन एंड बैकग्राउंड. थ्री वर्टिकल बटन्स आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लेसन स्टैटिस्टिक्स एंड लेसन एडिटर या आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे दैट आर यूज्ड फॉर स्विचिंग बिटवीन करंट लेसन जिसे आप करंट लेसन को चेंज भी कर सकते हैं. यूजर स्टैटिस्टिक्स एंड लेसन एडिटर यहाँ से हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं या आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई देंगे. हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं. वर्टिकल बटन्स, लेसन स्टैटिस्टिक्स एंड लेसन एडिटर. नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट पैनल. टेक्स्ट पैनल इज द एरिया वेयर द टेक्स्ट इज टू बी टाइप्ड इज डिस्प्लेड. जो भी टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं वो आपको टेक्स्ट पैनल पर दिखाई देगा. आप उसको इजिली एडिट भी कर सकते हैं लेसन एडिटर में जाकर के इफ नेसेसरी. लेसन कंट्रोल पैनल. लेसन कंट्रोल पैनल इंक्लूड सेवरल कंट्रोल्स टू पॉज और रेज्यूम द करंट लेसन. अगर आप करंट लेसन को स्टॉप करना चाहते हैं, रेज्यूम करना चाहते हैं या इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं साउंड को या एडजस्ट करना चाहते हैं साउंड की वॉल्यूम को तो आप लेसन कंट्रोल पैनल का यूज कर सकते हैं. कीबोर्ड हमारे यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड है दैट विल हेल्प यू टू लर्न टच टाइपिंग विद ऑल 10 फिंगर्स. यू कैन कस्टमाइज इट्स अपीयरेंस इन द लेसन सेक्शन. आप लेसन सेक्शन में जाकर के इसकी अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं. कीबोर्ड यहाँ पर हमारा एक वर्चुअल कीबोर्ड है जिसकी हेल्प से हम टच टाइपिंग करेंगे. ये हमारा जो है रैपिड टाइपिंग का आपकी विंडो है. ये मेन विंडो कह लीजिए. यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स आपको मिलेंगे. वहाँ से जाकर के आप लेसन्स भी चेंज कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पर ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से. बिगिन लेसन्स. टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन इन टाइपिंग ट्यूटर सिलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट एंड लेवल एंड लेसन कैटेगरी ऑन द टास्क बार शोन. तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं लेसन के अपने या फिर आपको कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं. एंड जो हमारी लेवल है लेवल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, हाई लेवल करना चाहते हैं, मीडियम लेवल का टाइपिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं. लेसन भी आप चेंज कर सकते हैं. कीबोर्ड के आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं. There are four drop-down lists in the top left corner of the screen. Therefore, moving from left to right, the procedure will be as follows. Choose the layout that is the language of the keyboard. आप लेआउट में जाकर के कीबोर्ड की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं. बेसिकली EN सेट होती है हमारी क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. आप लेवल में जाकर आप एक इंट्रोडक्शन लेवल लेना चाहते हैं, बिगिनर लेवल लेना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे आपका EN सिलेक्टेड है. ये हमारा क्या है कि कीबोर्ड का जो हमारी लैंग्वेज है वो इंग्लिश सिलेक्टेड है. आप इंट्रोडक्शन या बिगनर लेवल भी यहाँ से ले सकते हैं. आप लेसन्स भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं.
सो हमारा जो यहाँ पर EN है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कीबोर्ड की लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेट है, और आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बिगिनर। तो आप यहाँ से अपने लेसन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट लेसन्स मिलेंगे, यहाँ से आप लेसन्स किस टाइप का लेसन लेना चाहते हैं, किस तरह की टाइपिंग आप करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लेसन सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको प्ले एंड पॉज का भी ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अकॉर्डिंग आप प्ले भी कर सकते हैं एंड अपनी टाइपिंग को रेज्यूम भी कर सकते हैं। स्पेसिफाई लेसन कैटेगरी लेवल चूजन एंड दी अवेलेबल कैटेगरीज में वेरी। सो हमने लेसन की कैटेगरी को स्पेसिफाई किया, उसके बाद हमने लेसन चूज किया दैट यू वुड लाइक टू स्टडी। व्हेन एवरीथिंग इज रेडी, प्रेस एनी की दैट पुट योर फिंगर्स इन द इनिशियल पोजिशन शोन ऑन द कीबोर्ड एंड स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। जैसे आपने लेसन भी सेट कर लिया, लेसन की कैटेगरी भी सेट कर ली, तो आप कोई भी की को प्रेस करके अपनी फिंगर सबसे पहले सेट कर लीजिए इनिशियल पोजिशन पे, उसके अकॉर्डिंग आप टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेसन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर हम बेसिकली कंप्यूटर के अंदर भी जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है, उसके अंदर हम सारी की सारी सेटिंग्स जो होती है, अगर आपने कुछ भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, माउस की सेटिंग्स चेंज करनी है, कीबोर्ड की सेटिंग्स चेंज करनी है, अपियरेंस चेंज करनी है, तो हम कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से टाइपिंग ट्यूटर में भी हम कंट्रोल पैनल को सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं कंट्रोल पैनल से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप ये जो प्ले का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप प्ले कर सकते हैं। एंड अगर आपको पॉज करना है, जैसे आपने प्ले किया तो आपको इस तरह की दो लाइंस शो हो जाती हैं कि ये प्ले हो रहा है। अगर आपको फिर से पॉज करना है तो आप इस पर अगेन क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। रीस्टार्ट करने के लिए करंट लेसन को आप बटन पर क्लिक करेंगे जो कि आपको राइट साइड पर दिखाई देगा। इनेबल एंड डिसेबल साउंड भी कर सकते हैं आप कंट्रोल पैनल में जा करके। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वाइल मेकिंग योर वे थ्रू द लेसन्स यू विल प्रोबेबली मेंशन टू प्रोग्रेस बार। आपको दो तरह के प्रोग्रेस बार दिखाई देंगे, एक हमारा है ग्रीन प्रोग्रेस बार, एक हमारा है येलो प्रोग्रेस बार। ग्रीन प्रोग्रेस बार आपको अपर साइड पर दिखाई देगा, जो आपको ये बताता है कि हमारी जो टाइपिंग चल रही है, करंट लेसन जो हम टाइप कर रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज हुआ है कंप्लीशन का। एंड जो हमारा येलो प्रोग्रेस बार है लोअर पे, वो ये बताता है कि कितना एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड गिवन है फॉर टाइपिंग अ सिंगल कैरेक्टर, कि एक सिंगल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए कितना टाइम फ्रेम जो रिक्वायर्ड है। व्हेन द येलो प्रोग्रेस बार रन्स आउट एट लीस्ट वंस, टाइपिंग ट्यूटर रिकॉर्ड्स दैट यू हैव ब्रोकन द रिदम एट दिस कैरेक्टर। अगर हमारा जो हमारा येलो प्रोग्रेस बार ये शो करता है कि कितने टाइम पीरियड में हम एक सिंगल कैरेक्टर को टाइप कर रहे हैं, अगर वो हम उसमें ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो हमारा जो टाइपिंग ट्यूटर होता है वो रिकॉर्ड कर लेता है एंड हमारी जो रिदम होती है वो हमारी ब्रोक हो जाती है उस कैरेक्टर पर। हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो क्या शो करते हैं टाइपिंग के अंदर। ग्रीन लेटर्स हमारे राइट इनपुट्स को डिनोट करते हैं, येलो लेटर्स हमारे राइट इनपुट्स को तो डिनोट करते हैं, बट अगर हमारा जो टाइम फ्रेम है वो एक्सीड हो गया है एक्सेप्टेबल जो टाइम फ्रेम है उससे, रेड लेटर्स हमारे रॉन्ग इनपुट्स को शो करते हैं विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम, एंड ऑरेंज लेटर्स हमारे रॉन्ग इनपुट्स को शो करते हैं दैट ऑल्सो एक्सीड द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। इट इज द वर्स्ट रिजल्ट, ऑरेंज जो लेटर है ये हमारे वर्स्ट रिजल्ट को शो करते हैं। ओके, तो हमारा ग्रीन ये शो कर रहा है कि हमारा राइट इनपुट है, और हमारा जो येलो है वो शो कर रहा है कि ग्रीन तो राइट इनपुट तो है बट विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम को वो एक्सीड कर चुका है, एंड हमारा रेड जो है वो रॉन्ग इनपुट को शो करता है विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम, एंड द ऑरेंज कलर शोस कि हमारा जो रॉन्ग इनपुट तो है ही है बट हमारे वो एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम को भी एक्सीड कर चुका है। एरर विंडो, एरर ऑन द एरर टैब यू कैन व्यू योर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स फॉर द करंट लेसन। दिस टैब शोज यू एरर्स एंड डिलेज परसेंटेज बोथ इन द ग्राफिकल एंड टेबल व्यू। आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स फॉर योर आपके करंट लेसन के अकॉर्डिंग जो उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट है वो आपको एरर टैब में शो होगी कि कितने एरर्स हैं, कितनी परसेंटेज में डिले हुआ है, वो आपको ग्राफ एंड टेबल के थ्रू दिखाई देगा। इससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप स्विच भी कर सकते हैं बिटवीन द एरर्स इन परसेंट चार्ट एंड डिले इन परसेंटेज चार्ट। ओके, ऑन द बार चार्ट, बार चार्ट पे जो एक्स एक्सिस होता है वो ये शो करता है कि
जो लेटर्स हमारे लेसन्स में यूज हुए हैं, एंड वाई एक्सिस हमारा ये शो करता है कि कितने एरर्स हमारे टाइपिंग करते समय आए हैं एंड कितना डिले हुआ है किसी भी लेटर को टाइप करने में. व्यू एंड एनालाइज स्टेटिस्टिक्स टू व्यू दिस रिजल्ट ऑफ ऑल द लेसन दैट यू हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड. अगर आपको रिजल्ट देखना है अपने लेसन्स का जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप स्टेटिस्टिक्स ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड फिर चूज द बटन्स इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मेन विंडो. आप मेन विंडो में जाकर के बटन्स को भी चूज कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाई देगा. यहाँ पे स्टैटिक्स का ऑप्शन होगा, इसमें आप जाकर के पूरा का पूरे डिटेल्स जो है अपने लेसन की वो चेक कर सकते हैं. हेयर यू कैन रिव्यू योर, यहाँ पर आप पूरा अपना चार्ट देख पा रहे हैं, पूरा प्रोग्रेस ग्राफिकल या टेबल व्यू की हेल्प से. क्लिक दी बटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, या आप कंट्रोल प्लस वन भी प्रेस कर सकते हैं. CPM, CPM स्टैंड फॉर कैरेक्टर पर मिनट, की आपने एक मिनट में कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं उसकी आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, एंड कितने वर्ड्स आपने एक मिनट में टाइप किए हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस टू हमारी शॉर्टकट की होती है, इससे आप चेक कर सकते हैं. एंड क्लिक दी बटन कंट्रोल प्लस थ्री से आप ये देख सकते हैं कि कितनी आपकी टाइपिंग में एक्यूरेसी थी. ओके, सो हमने कैरेक्टर पर मिनट की एक मिनट में कितने कैरेक्टर टाइप किए इसके लिए कंट्रोल प्लस वन प्रेस किया, एंड वर्ड्स पर मिनट चेक करने के लिए कंट्रोल प्लस टू से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है हमारी, एंड टाइपिंग की एक्यूरेसी देखने के लिए कंट्रोल प्लस थ्री प्रेस करते हैं. अगर आपने कोई भी मैट्रिक रिमूव करनी है स्टेटिस्टिक में से, तो आप किसी भी लेसन को राइट साइड पे क्लिक करेंगे एंड आप प्रेस कर सकते हैं डिलीट की फ्रॉम योर कीबोर्ड. ऑन द टास्क बार इन द अपर राइट ऑफ द विंडो यू कैन चूज कीबोर्ड लेआउट. आप कीबोर्ड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, लेवल को चेंज कर सकते हैं और अपने कोर्स को भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन द लेसन ग्रुप. आप लेसन ग्रुप को, डे ग्रुप को, इन सारे ऑप्शन को आप चेंज करके देख सकते हैं. ये ओवरऑल रेटिंग है कि आपकी किस तरह की रेटिंग आई है, कि आपके कैरेक्टर पर मिनट कितने हैं, वर्ड्स पर मिनट कितने, आप सारा पूरी रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं. कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड. द टाइपिंग स्पीड कैन बी मेजर्ड विद डिफरेंट एक्यूरेसी सच एज टाइपिंग स्पीड. किस किन बातों पर डिपेंड करती है, हम टाइपिंग स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमने कितने वर्ड्स जो हैं टाइप किए हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर टाइप फॉर सर्टेन टाइम पीरियड. कितने वर्ड्स हमने टाइप किए एक सर्टेन टाइम पीरियड में, या हमने कितने कैरेक्टर टाइप किए एक सर्टेन टाइम पीरियड में, या हमने कितने की स्ट्रोक किए हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में, इसके अकॉर्डिंग हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो चेक होती है. कितने वर्ड्स हमने टाइप किए हैं एक टाइम पीरियड में, कैरेक्टर्स कितने टाइप किए एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एंड कितने की स्ट्रोक हमने टाइप किए एक सर्टेन टाइम पीरियड में. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसने 240 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं 2 मिनट्स में विद एरर्स इन 20 कैरेक्टर. 20 कैरेक्टर पे उसका एरर है, तो सिंपल स्पीड कैसे निकलेगी, 250 कैरेक्टर्स उसने टाइप किए हैं 2 मिनट्स में, तो उसने कितने कैरेक्टर पर मिनट किए, 120. आप डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. नेट स्पीड चेक करने के लिए जो आपका रिजल्ट आया है ये सिंपल स्पीड का, वो लेकर आप कितने एरर्स और कितने मिनट में किए उसके अकॉर्डिंग आप नेट स्पीड भी चेक कर सकते हैं. सो ये हमारे कुछ बताया गया है कि WPM का मीनिंग क्या होता है, इसके कुछ फॉर्मूलेस बताए गए हैं यहाँ पे. नेट WPM क्या होता है, CPM क्या होता है, नेट CPM, KPM, नेट KPM. सो WPM हमारा होता है कि कितने वर्ड टाइप हुए हैं एक मिनट के. ओके, कितने नंबर ऑफ वर्ड टाइप किए हमने 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम में. नेट WPM मीन्स द WPM विदाउट वर्ड्स विद एरर्स. CPM इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप्ड इन अ 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम. कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने टाइप किए हैं एक मिनट में. नेट CPM द CPM विदाउट कैरेक्टर्स विद एरर्स. एरर्स का हम काउंट करेंगे इसके अंदर विदाउट KPM द नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स इन 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम. नेट KPM इज द KPM विदाउट की स्ट्रोक्स विद एरर्स. यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मुलेस बताए गए हैं जिससे आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजिली यहाँ पर निकाल सकते हैं. टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ द टोटल एंट्रीज. टोटल एंट्रीज में से हमारी कितनी करेक्ट एंट्रीज थी उसकी परसेंटेज हमारी टाइपिंग एक्यूरेसी बताती है. टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ द टोटल एंट्रीज टाइप्ड.
सो ये कुछ फॉर्मूलेस बताए गए हैं कि आप कैसे एक्यूरेसी को अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है एक्यूरेसी निकालें। एक्यूरेसी इज इक्वल टू 100% माइनस वर्ड्स विद एरर्स इंटू 100% अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेस बताए गए हैं टाइपिंग रिदम को कैलकुलेट करने के, टाइपिंग एक्यूरेसी को कैलकुलेटर की, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग रिदम क्या होता है? इन द टच टाइपिंग टेक्निक्स द टाइपिंग रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइपिंग रिदम मीन्स द की स्ट्रोक शुड कम एट इक्वल इंटरवल्स। एक इक्वल इंटरवल्स पर जो हमारे की स्ट्रोक प्रेस हो रहे हैं हमारी टाइपिंग रिदम होती है। टू कंट्रोल द कॉन्स्टेंट टाइपिंग स्पीड द स्लो डाउन इंडिकेटर इज यूज। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट फॉर्मूला फ्रॉम द स्लो डाउन कैलकुलेशन। ओवरऑल रेटिंग कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूलेस बताए गए हैं। ओवरऑल रेटिंग परसेंटेज में अगर आपने निकालनी है तो नेट स्पीड अपॉन कोर्स गोल स्पीड इंटू 100%। विद नेट स्पीड का मतलब यह है कि नेट WPM, नेट CPM या नेट KPM। द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट ऑप्शंस। कोर्स गोल मीन्स स्पीड इज कस्टमाइज इन द ऑप्शंस फॉर ईच कोर्स। गुड टाइपिंग स्पीड एन एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट टाइप्स यूजली इन स्पीड्स ऑफ 50 to 80 WPM। जो हमारा एक एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट होता है उसकी जो स्पीड होती है वो 50 to 80 वर्ड पर मिनट होती है। एक मिनट में वो इतने वर्ड्स टाइप कर सकता है। वाइल सम पोजिशंस कैन अक्वायर, पर कई जिनकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होती है वो 80 to 95 भी वर्ड्स टाइप कर सकते हैं विद इन वन मिनट। एंड एडवांस टाइपिस्ट जो होते हैं वो 120 वर्ड्स पर मिनट टाइप करते हैं। द फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड ऑन एन अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड 216 वर्ड्स इन वन मिनट। जो फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड है अभी तक की वो हमारी 216 वर्ड्स हैं इन वन मिनट। वॉज अचीव्ड बाय स्टेला पेजुनस इन 1946 में। इन पर्सन्स ने टाइप की थी 216 वर्ड्स इन वन मिनट। एज ऑफ 2005 राइटर बारबरा ब्लैकबर्न वॉज द फास्टेस्ट अल्फा न्यूमेरिकल इंग्लिश लैंग्वेज टाइपिस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 2005 के अंदर बारबरा ब्लैकबर्न ने सबसे ज़्यादा टाइपिंग रिकॉर्ड किया है, जिनका नेम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। यूजिंग द डिवोरिक सिंप्लीफाइड कीबोर्ड शी मेंटेन 150 WPM फॉर 50 मिनट्स एंड 170 WPM फॉर शॉर्टर पीरियड्स। हर टॉप स्पीड वॉज 212 WPM। ओके स्टूडेंट्स।